वाइड यूडीपी जेंट और फर्ज करें सेट आर एन ओ के नाम का फंक्शन, और इस तरह हमने अपने कुछ फंक्शन जो है ना वो डिफाइन भी किए। याद है ये बात सारी? जी सर याद है। यहाँ पे हम आमतौर पे प्राइवेट डाटा मेंबर्स को बनाते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम पब्लिक बनाते हैं तकरीबन नीचे सारे जितने भी हम मेंबर फंक्शन बनाने होते हैं। ये हमारे पास एक क्लास की टेम्पलेट है कि क्लास का कोड जो है ना वो इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद जी सर जो भी मेन प्रोग्राम होता है वो इसी फाइल में हो या किसी और फाइल में हो, जहाँ भी आप बनाएं, तो आप स्टूडेंट क्लास का नाम, उसके बाद जो भी आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं, तो इस तरह आपका जो है ना वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है जी। जी सर अच्छा, अब कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है, अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है जो उस वक्त रन होता है जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है जी, कंस्ट्रक्टर जी सर एक ऐसा फंक्शन है जो उस वक्त कॉल होता है जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी जब हम अपने कोड में ये लाइन लिखते हैं ना, जैसे int i, ये हम वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये तो डेटा टाइप है ना। जब हम अपनी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें, डेट इज इक्वल टू माई डेट, ये लिखा हुआ है, ठीक है। जी सर अब ये हम डेट टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जब ये लाइन रन होती है उस वक्त ये क्लास में से जिस फंक्शन को कॉल करती है बाई डिफॉल्ट, उसे हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहते हैं, ठीक है जी। जी सर ठीक है। जी सर आपकी ना आवाज कट रही है थोड़ी थोड़ी देर आपका ना बाद कुछ ना, सिग्नल आवाज इशू कट है रही है। मेरी तरफ से तो सिग्नल जी सिग्नल सर बिल्कुल। हाँ मैंने 4G पे था, मैं 4G पे था, मैंने ठीक है वाईफाई पे कनेक्ट कर दिया, मेरी तरफ से इशू था। जी सर ठीक जी है जी देख लें, आप कर लें जो करना। अब हो गया सर, जी जी हो गया ठीक कर दी, जी मैंने हो कर दी गया। है वाईफाई से कनेक्ट कर। जी सर अच्छा, अब आप देखें कि जब हम प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो उस वक्त हमारे पास कंस्ट्रक्टर का जो फंक्शन है वो कॉल होता है। इस बात की समझ आ गई आपको? जी सर ठीक आ गई समझ। अच्छा, अब कंस्ट्रक्टर जो होता है ना किसी भी क्लास का, वो दो तरह के होते हैं। एक कंस्ट्रक्टर है जो हम डिफाइन नहीं करते तो कंपाइलर खुद ब खुद बना देता है, ठीक है। ठीक है अगर आप कोई क्लास बनाते हैं और उस क्लास में कंस्ट्रक्टर के फंक्शन को डिक्लेयर नहीं करते तो वो खुद ब खुद उस फंक्शन को क्रिएट कर देगा कंपाइलर, ऐसे कंस्ट्रक्टर को हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और अगर यूजर खुद लिखता है किसी भी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर का फंक्शन, तो फिर ऐसे कंस्ट्रक्टर को हम यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और कंस्ट्रक्टर फंक्शन को डिक्लेयर करने का जो तरीका कार है वो ये है कि उसका नाम क्लास के नाम जैसा ही होगा, जैसे ये लिखा हुआ है डेट ही क्लास का नाम है, डेट ही उस फंक्शन का नाम होगा और आगे बाकी सारी चीज़ें वही हैं। आप उसमें कोई पैरामीटर देना चाहते हैं, पैरामीटर नहीं देना चाहते, वो आपकी मर्जी है। जैसे ये मैं एक स्टूडेंट की क्लास लिख रहा हूँ, तो इसके जो मेंबर फंक्शन है, ये मेंबर फंक्शन है, मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट के नाम का फंक्शन डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट के नाम का एक और फंक्शन डिक्लेयर कर देता हूँ जिसके अंदर मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल पास करता हूँ। फिर मैं एक स्टूडेंट नाम का फंक्शन डिक्लेयर कर देता हूँ कि जिसके अंदर मैं इंट और करेक्टर पॉइंटर डिक्लेयर कर देता हूँ। आप एक क्लास के अंदर जितने ज़रूरत है आपको, आप उतने कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिख सकते हैं और बगैर लिखे भी क्लास बना सकते हैं। अगर आप नहीं लिखेंगे तो फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर यूज़ करेगा, और अगर आपने लिख दिए हैं कंस्ट्रक्टर, खुद लिखे हैं, तो फिर जिस तरह के कंस्ट्रक्टर को आप कॉल करेंगे, जैसे हम पिछले लेक्चर में फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ के आए हैं, ठीक है, कि आप अगर इंटीजर वाले को कॉल करेंगे, यानी अगर आप इस तरह ऑब्जेक्ट बनाते हो स्टूडेंट ST1, तो फिर आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। अगर आप इस तरह बनाते हो स्टूडेंट और उसके बाद ST1 और ब्रैकेट में आप लिख देते हो 15
तो ये एक इंटीजर है, तो फिर ये वाला कंस्ट्रक्टर रन होगा, और अगर आप नाम और रोल नंबर लिख के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो फिर ये वाला कंस्ट्रक्टर जो है ना वो रन होगा। समझ आ गई बात की? जी सर समझ आ गई। तो ये कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, इनको हम आर्गुमेंट वाला कहते हैं जी, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स फॉर द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स हम पीछे पढ़ के आए थे, ऐसे आर्गुमेंट जो किसी के किसी फंक्शन में जिनकी वैल्यू आप मेंशन कर देते हो, और वो वैल्यू अगर ऑब्जेक्ट क्रिएशन के अंदर नहीं भी बताई जाती तो फिर वो वाली वैल्यू असाइन कर दी जाती है उस वेरिएबल को। तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अब ये देखें, डेट के नाम का एक कंस्ट्रक्टर है, इसमें क्या है, तीन पैरामीटर हैं। हम पहला जो देंगे वो डे होगा, दूसरा मंथ होगा, तीसरा ईयर है। अगर वैल्यू देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो 2002 वैल्यू इसकी ऑटोमेटिकली रखी जाएगी। ये हमने डेट स्पेस माय डेट के नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और यहाँ पर हम इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर रहे हैं, माय डेट 1.1.2000। तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ खुद ब खुद, और इस माय डेट की जो डे वैल्यू है वो 1 सेट हो गई, जो मंथ है वो 1 सेट हो गया, और जो ईयर है वो 2000 सेट हो गया। ठीक है जी, जब हमने इसको कॉल किया तो इसमें क्या हुआ, दो चीजें हमने मेंशन की हैं, तीसरी हमने ईयर मेंशन नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट वो उठा लेगा जो कि हम इसके कंस्ट्रक्टर में मेंशन करके आए हुए हैं 2000। तो यहाँ पर 1.1 से मुराद ये है कि माई डेट की वैल्यू हो जाएगी 1.1.2002। ठीक है सर, समझ आ गई बात की? जी सर आगे समझ। ये हमारे पास हो गए जी कंस्ट्रक्टर। अब ये देखें, डेट क्लास को उसने मजीद थोड़ा बेहतर कर दिया पिछले कोड से। ये देखें जी, डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन है, सेट डे है, सेट मंथ है, सेट ईयर है, और ये कंस्ट्रक्टर उसने लिखे हैं। एक सिंपल कंस्ट्रक्टर लिखा है विदाउट एनी पैरामीटर, और एक कंस्ट्रक्टर उसने तीन इंटीजर वेरिएबल के साथ लिखा है। इसका मतलब है अब हमारे पास दो तरीकों से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जरा नीचे जाके उसने ये डेट को डिफाइन कर दिया। अगर कोई अकेला डेट लिखेगा तो डे को 1, मंथ को 1, ईयर को 1900 कर देना। अगर कोई बंदा खुद पैरामीटर दे तो फिर डे की वैल्यू को दी डे के, यानी फिर उनकी वैल्यू वो वाली सेट कर देना। और अब यहाँ पर आप देखें, उसने जो मेन प्रोग्राम इसका लिखा होगा, यहाँ पे ये मेन प्रोग्राम है, यहाँ पर उसने डेट 1 बनाया। ये सादा है तो पहले वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा, ये उसने तीनों पैरामीटर दे के बनाया तो ये दूसरे वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा, ये उसने तीसरे तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसके अंदर डिफॉल्ट आर्गुमेंट जो है ना वो चलेगा। समझ आई बात की या नहीं? सर आ गई समझ। देखें, जब उसने डेट 1 को डिस्प्ले करवाया तो 1/1/1900 आया, क्योंकि हमने डिफॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर बनाया उसके अंदर हमने यही वैल्यू सेट की है। जब उसने डेट 2 को प्रिंट करवाया तो इसमें 1/1/2000 आया। जब उसने डेट 3 को प्रिंट करवाया, हालांकि उसने 2002 नहीं दिया था, लेकिन वो नजर आया है हमें। समझ आ गई बात की भाई कंस्ट्रक्टर वाली? जी सर आगे समझ। ओके आगे समझ। अब ये आपकी जो क्लास की डेफिनेशन है ना, ये मुकम्मल हो गई है। समझ आ गई बात? ठीक है सर। एक क्लास के अंदर मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक क्लास मजमुआ होती है डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस का। मेंबर फंक्शंस जो हैं वो और इसमें कंस्ट्रक्टर्स भी मौजूद होते हैं। कंस्ट्रक्टर्स वो फंक्शन होते हैं जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के वक़्त कॉल होते हैं। अगर हम किसी भी क्लास का कंस्ट्रक्टर खुद से नहीं लिखते, यूज़र डिफाइंड नहीं यूज़ करते, तो फिर क्लास कंपाइलर खुद ब खुद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यूज़ करता है। और जो आम तौर पे जो प्रैक्टिस है, डेटा मेंबर्स को हम प्राइवेट रखते हैं और जो फंक्शंस हैं मेंबर फंक्शंस उनको हम पब्लिक रखते हैं। ठीक है जी, क्लास के मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करने और डिक्लेयर करने के दो तरीके हैं। एक तरीका हमने ये देखा कि जब हम फंक्शन को की प्रोटोटाइप लिखते हैं तो यहाँ पर भी हम उसे डिफाइन कर सकते हैं, और एक ये है कि उसे क्लोज करके सेमी कॉलन लगा के बाद में इस तरह रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ भी उस फंक्शंस की जो डेफिनेशन होती है, जो उसकी बॉडी होती है, वो डिक्लेयर की जा सकती है। और उसके बाद मेन जो भी आपका प्रोग्राम होगा उसके अंदर हम किस तरह से उस क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और फिर उस ऑब्जेक्ट्स के फंक्शंस को हम बार बार कॉल करते हैं। और देख, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को अब पहले उसने प्रैक्टिस करवाई है, अब उसने दोबारा उसको मतलब जो है ना कंक्लूड किया, जिस तरह मैंने आपके सामने कंक्लूड किया क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को, कि अब बेटर आइडिया हो जाता है स्टूडेंट को
अब वो बता रहा है कि ये क्या है, पढ़ लें तब भी ठीक है, सिर्फ रीडिंग करनी है, बाकी सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये उसने क्लास को अब रीडिफाइन किया, और जो जो फंक्शंस हैं वो कहता है उसे मेथड भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब ये मजीद आगे जाएगा, कंस्ट्रक्टर्स के बारे में बताया, अब वो बताएगा टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स कौन कौन से हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ एक कंपाइलर जनरेटेड कंस्ट्रक्टर होता है, अगर कंस्ट्रक्टर डिफाइन ना किया जाए तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। एक सिंपल कंस्ट्रक्टर होता है जिसके अंदर हम कोई पैरामीटर पास नहीं करते। एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है जिसके अंदर हम एक दो तीन जितने मर्जी पास कर सकते हैं। हम एक कंस्ट्रक्टर को एक से ज्यादा वेरिएबल्स के साथ बार बार डिफाइन कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जो है ये भी मौजूद है। समझ आ गई बात की? जी सर आ गई। एक्सप्लेनेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर हम कर चुके हैं, ये किस तरह से काम करता है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट वाला क्या होता है, ठीक है। उसके बाद यूटिलिटी फंक्शन बाद में पढ़ाता हूँ। आखिर पे इस लेक्चर के अंदर डिस्ट्रक्टर का जिक्र किया गया है, ऐसे फंक्शन जब आप अपने ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हो तो जो फंक्शन उस वक्त रन होता है उसे कंस्ट्रक्टर के उल्ट डिस्ट्रक्टर का फंक्शन कहा जाता है बस, ठीक है। और डिस्ट्रक्टर फंक्शन लिखने के लिए सिंपल उसके नाम से पहले ये टिल्ड का निशान लगाया जाता है, और उसके अंदर बॉडी के अंदर अगर आपने जो कोई भी लिखना है वो आपकी मर्जी है, लिखना चाहते हैं या नहीं लिखना चाहते। समझ आ गई बात की या नहीं सर? मतलब यानी कि हम डिलीट करने के लिए, डिलीट करने के बाद ये लगाते हैं? नहीं, ये लगा लिखते हैं, मतलब जब हम जब फंक्शंस को क्रिएट करते हैं ना, तो उन फंक्शंस को जब हम यूज कर सॉरी जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो उसे मेमोरी एलोकेट हो जाती है ना, और जब उस ऑब्जेक्ट को हम डिलीट करते हैं तो उससे मेमोरी वापस आ जाती है, ठीक है। अगर आप चाहते हो, और इसी तरह ही है, जब आप डिलीट करते हो तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर का डिस्ट्रक्टर जो है वो चल जाता है और मेमोरी को फ्री करवा लेता है, लेकिन अगर आप अपना डिस्ट्रक्टर भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और वो कंस्ट्रक्टर के नाम के आगे सिर्फ आपने टिल्ड लगाना है, जैसे ये बस इतना क्या इतना ये इतनी की लाइनें हैं जो आपने पढ़नी, ठीक है सर। ये फंक्शन पढ़ने वाले हैं, यूटिलिटी फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं। हमने एक चीज डिफाइन की है, देखो जरा, कि हमने ना जो डेटा मेंबर्स है ना सारे डेट क्लास के, ये देखो प्राइवेट के अंदर हमने एक डे रखा है, एक मंथ रखा है और एक ईयर रखा है, ठीक है। अब डे मंथ ईयर को हमने कर दिया प्राइवेट, जब हमने प्राइवेट कर दिया ना तो ये फंक्शन ये अब ना इसके ऑब्जेक्ट से एक्सेसिबल नहीं होंगे, यानी जो आप डेट का ऑब्जेक्ट बनाओगे ना उस ऑब्जेक्ट के साथ आप इनको नहीं एक्सेस कर सकते। समझ आई बात की? जी सर, जो पहले आपने बताया था। हाँ, तो इनको एक्सेस करने के लिए ना हम स्पेशल फंक्शन लिख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो हम सेट का फंक्शन लिख रहे हैं इसकी वैल्यू को सेट करने के लिए, और गेट के फंक्शन लिख रहे हैं इनकी वैल्यूज को गेट करने के लिए। समझ आ रही है? जी सर। इसे कहते हैं सेटर एंड गेटर फंक्शन, ठीक है। क्या कहते हैं इनको? ठीक है, सेटर एंड गेटर फंक्शन। सेटर एंड गेटर फंक्शन, ये देखो सेटर दिखा गया ना, एंड ये देखो गेटर। सेटर एंड गेटर फंक्शंस होते हैं ऐसे फंक्शंस जो इनकैप्सुलेशन के रूल के मुताबिक हम लिखते हैं, और ये क्या होते हैं कि इनकी मदद से हम प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस करते हैं रीड या राइट करने के लिए। समझ आ गई बात की? जी सर आ गई समझ। इन फंक्शंस को मजमूई तौर पर हम यूटिलिटी फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, utility functions. ये देखें, the second issue we usually across while dealing with the concept of classes, private part के लिए हम setter and getter लिखते हैं. So these setters and getter functions are called, also called utility functions of a class. समझ आ गई बात की? जी सर आ गई। ओके जी, आगे चलते हैं जी, ये लेक्चर भी हमारा कम्प्लीट हो गया। अब हमें वो बताता है जी लेक्चर नंबर 28 के अंदर के मेमोरी एलोकेशन इन सी हम पढ़ चुके हैं, मेमोरी एलोकेशन इन सी प्लस प्लस हम पढ़ चुके हैं, याद है ना सर? ये 17-18 वाले जो लेक्चर्स थे? नहीं 17-18 नहीं, ये शुरू यहाँ से हुआ था, 23-24 जो हमने पढ़ा था डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। जी सर ठीक है, स्टैक और हीप, ठीक है याद है। हाँ, तो ऑब्जेक्ट्स जब क्रिएट होते हैं तो उस वक्त मेमोरी एलोकेशन जो है वो कैसे होती है, जैसे ही आप कोई
ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो उसी वक्त उसकी मेमोरी जो है वो एलोकेट हो जाती है। अब ये वो स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया था। आपने ना एक स्ट्रक्चर बनाते हैं मिसाल के तौर पे एबीसी, अब उसके अंदर आपने एक इंटीजर वेरिएबल बना दिया, एक फ्लोट बना दिया। इंटीजर लेता है 4 बाइट, फ्लोट लेता है 8 बाइट। जब आप एबीसी का ऑब्जेक्ट बनाओगे कोई भी, जैसे ये एक्स वाई जेड हमने बनाया, तो एक्स वाई जेड को कितनी बाइट्स मिलेंगी इन दोनों की मुश्तरका? क्योंकि ये देखो ना एक्स वाई जी जो है वो एबीसी टाइप का है ना, और एबीसी के अंदर एक इंटीजर वेरिएबल है, एक फ्लोट वेरिएबल है। समझ आई बात की या नहीं आई? सर मतलब यानी कि एबीसी जो है उसका एक वो खुद वेरिएबल है, उसके अंदर दो और वेरिएबल है। ये वो क्लास ही है ना, आप स्ट्रक्ट क्योंकि आपने नहीं पढ़ा, आप समझ लो कि ये क्लास है। ठीक है, ठीक है, एबीसी क्लास है, इसके अंदर दो डाटा मेंबर हैं। जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो कितनी स्पेस लेगा मेमोरी से? तो जितने उसके डाटा मेंबर्स होते हैं वो डाटा मेंबर्स जितनी जितनी स्पेस लेते हैं ना वो उतनी मेमोरी उसे एलोकेट कर दी जाती है। ठीक है सर, समझ आई बात की या नहीं? आ गई सर, आ गई समझ। हाँ जी, और ये फंक्शन हमने पढ़े थे मेमोरी एलोकेशन, कैलोक और री एलोक, ये तीनों फंक्शन हम लेक्चर नंबर 23 में पढ़ चुके हैं। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होती है इसके अंदर। ठीक है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और क्लासेस का एक फायदा ये भी है कि हम उसमें जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसी वक्त उसको मेमोरी एलोकेट होती है, हमें इन फंक्शंस को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है सर, आगे ये देखो ना, ये आपने क्लास बनाई, इसमें ये आपने वेरिएबल बनाए, जैसे ही आपने, अब ये क्लास तो बन गई है लेकिन इसने कितनी जगह लेनी है ये तो हमने नहीं ना बताया उसे, लेकिन आप जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया करोगे फौरन उसकी मेमोरी जो है ना उसको एलोकेट हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मैं डेट के 10 बनाऊं तो फिर आप उसको देखेंगे, डेट स्टेरिक मैलोक साइज ऑफ डेट, तो आप 10 ऑब्जेक्ट डेट के क्रिएट हो गए और उसका पहला एड्रेस जो है वो डेट पॉइंटर के पास चला गया। असल में वो ये बताना चाह रहा है कि जिस तरह परमिटिव डेटा टाइप के ऊपर मैलोक कैलोक और री एलोक चल सकते हैं, इसी तरह क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी ये चलते हैं। समझ आई कि नहीं आई? आ गई समझ। सर प्राइमिटिव डेटा टाइप कौन सा, मतलब इंट फ्लोट वगैरह? जो क्लास है ना वो यूजर डिफाइंड डेटाबेस है और डेटा टाइप है। ठीक है सर, ये मेमोरी एलोकेशन हो गई, उसके बाद न्यू ऑपरेटर हो गया, ये आ गया जी न्यू ऑपरेटर जिसके जरिए ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया जाता है। एक तरीका तो हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का कि हम डेट और आगे माई डेट लिख देते हैं तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक तरीका न्यू ऑपरेटर के साथ भी है और वो क्या है, वो इस तरह हम लिखते हैं, ये देखें जी, कि हम एक IPTR वेरिएबल का नाम और न्यू लिख के और उसके आगे इंट ऑफ 10 लिख देंगे तो इस तरह जो है ना वो हमारे सामने जैसे ये लिखा हुआ है न्यू डेट और 10, तो अब ये 10 वेरिएबल डेट के क्रिएट हो गए और इसमें से जो जो पॉइंटर है वो DPTR के पास है, यानी DPTR में पहला वेरिएबल पड़ा हुआ है। DPTR 0 जब लेंगे तो दूसरा पीरियड, DPTR 1 लेंगे तो फिर उससे नेक्स्ट वाले पे चले जाएंगे हम, इसी तरह DPTR 2 लेंगे तो हम नेक्स्ट से नेक्स्ट जो है ना वो चलते चले जाएंगे। ठीक है सर, इस ऑपरेटर को हम एरो ऑपरेटर कहते हैं, इसके जरिए फिर हम इसको एक्सेस करते हैं जब हम बना लेते हैं। ये देखें जी, अब हमारे हमने ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, मेन प्रोग्राम में जाते हैं, ये देखें जी मेन प्रोग्राम में हमने एक पॉइंटर क्रिएट किया माई डेट टाइप का और उस पॉइंटर को हमने 10 वेरिएबल्स के साथ इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, अब हम इसको किस तरह से, देखो ये 10 को हमने न्यू बनाया ना तो 10 दफा ये मैसेज प्रिंट हो गया, इसका मतलब क्या है 10 दफा कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हुआ है। ठीक है सर, समझ आई है बात की या नहीं? सर नहीं, ये थोड़ी सी समझ नहीं आई। किसकी? सर इस बात की थोड़ी समझ नहीं आई, ये जो आखिरी आपने बताया। ये देखो ना, इसके कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर सी आउट करवाया होगा ना उसने, इसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन का कोड देखते हैं ना कहाँ पे है। ये देखो उसने कंस्ट्रक्टर फंक्शन में सी आउट कराया हुआ है ना, ये देखो करवाया हुआ है ना। जी जी, तो
जब भी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर ने कॉल होना है कि नहीं होना? होने। तो हमने ये क्या क्रिएट किया हुआ ये बताओ, माई डेट ऑफ टेंथ, ये हमने दस ये ऑब्जेक्ट्स की एरे क्रिएट कर लिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स की एरे क्रिएट कर ली। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट्स की एरे क्रिएट किया तो इसका मतलब है 10 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं ना? जी सर। 10 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं तो 10 दफा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। जी सर, 10 दफा कॉल। उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने सी आउट लगाया हुआ था ये चेक करने के लिए कि क्या वाकई ये वर्क करता है, तो ये 10 दफा मैसेज स्क्रीन पे आ गया। तो हमें पता चल गया कि वाकई जब आप एरे क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट्स की तो हर दफा जो है ना वो कंस्ट्रक्टर उसका कॉल होता है। आगे समझ। ठीक है, क्लासेस एंड स्ट्रक्चर्स इन सी प्लस प्लस हो गया जी। न्यू ऑपरेटर एंड कंस्ट्रक्टर है, न्यू के साथ किस तरह ये काम करता है। डिलीट ऑपरेटर यूज करते हैं हम जब किसी ऑब्जेक्ट को हमने डिलीट करना होता है, जिस तरह न्यू से हम नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो डिलीट से हम ऑब्जेक्ट जो है वो डिलीट करते हैं। न्यू से जब क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, जब डिलीट से डिलीट करेंगे तो उस वक्त डिस्ट्रक्टर का फंक्शन जो है वो कॉल होगा। ठीक है, ठीक है, ये हमारे मुकम्मल हो गए। अब आपने इसको पढ़ लेना है, ये सिर्फ उसने एक एग्जांपल करके दिखाई है। ठीक है जी, मेन फंक्शन और क्लास ये सारी एग्जांपल है। अब आपने यहाँ तक इसको रीड आउट करना है जी, 28 तक। ठीक है, ठीक है सर। सर एक सवाल था मेरा, क्वेश्चन था जी। जी सर, ये पेपर में मतलब यानी कि जो एमसीक्यूज होंगे वो किस टाइप में आएंगे? वो प्रोग्राम बने हुए होंगे या सिर्फ डेफिनेशंस अगर मैं तैयार कर लूं तो उससे मेरा हो जाएगा? प्रोग्राम्स भी होते हैं, ठीक है, छोटा सा कोड लिखा होता है उसकी आउटपुट पूछ लेते हैं। ठीक है, या पूछ लेते हैं विच इज द करेक्ट मेथड टू डिफाइन ए पॉइंटर एरे, तो नीचे चार स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं जो सही सिंटैक्स होता है वो पूछ लेते हैं। ठीक है ना, आप प्रोग्राम में कोडिंग की सेंस आपको लाजमी होनी चाहिए। अगर लिखना नहीं ना आता तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका मिस होगा। ठीक है जी, जी। लेकिन अगर समझ ही कोई नहीं है तो फिर हो सकता है कई शॉर्ट क्वेश्चन भी मिस हो जाएं आपके, जिसमें कोड लिखा हुआ होगा और आपने उस कोड को देख के तो उसके बारे में बताना होगा। ठीक है सर। सर मैं मतलब यानी कि मैं अगर इसको पीसी पे सी डेव सी प्लस प्लस में सारे जो प्रोग्राम हैंडआउट में दिए हैं तो रन करके देखूं, ये इसको रन कर लो तो फिर तो सोने पे सुहागा है ना, क्योंकि इसी पे सारी जिंदगी चलना है, प्रोग्रामिंग ही करनी है ना आगे। कौन सा कॉल सेंटर? मैं तो सर मैं डब्ल्यू थी स्कूल जो वेबसाइट नहीं है उससे कर रहा हूँ, उसके प्रोग्रामिंग उधर कर लो, डेव सी में कर लो, कोई फर्क नहीं। ठीक है सर, ये देखो ना मैं तुम्हें उसी में करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये आ गया आपके पास W3 स्कूल और C++, ये खुल गई, ये मैं W3 स्कूल पे चला गया। ठीक है, और ये मैं आपको लेके चला जाता हूँ जी, फंक्शंस ओवरलोडिंग आ गया, क्लासेस आ गया, ये कंस्ट्रक्टर का टॉपिक आ गया जी। ठीक है, ये देखो वो बता रहा है कि माई क्लास है और इसमें माई क्लास के नाम का ही हमने एक फंक्शन और उसके अंदर हमने एक सी आउट लगा लिया। अब इसको ट्राई करके देखते हैं। ये देखो जी, हेलो वर्ड आया ना, आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पे माई क्लास ओबीजे, तो जब ये क्रिएट हुआ इसने इसको खुद ब खुद कॉल कर लिया। मैं यहाँ पे कहता हूँ हेलो मी कंस्ट्रक्टर एंड आई एम कॉल्ड, देखने के लिए क्या वाकई ये कॉल होता है। रन करो जरा, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो आप देखोगे कि ये मैसेज वहां पे आएगा, और जित आया कि नहीं आया। ठीक है जी सर। अब आप एक और बनाते हो माई क्लास और माई ओबीजे टू। अब हमने दूसरा ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए तो ये कितनी दफा कॉल होगा? दो दफा कॉल होगा, तो आप देख पाएंगे दो दफा स्क्रीन पे लिखा हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है सर, तो जितनी दफा भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होना है कंस्ट्रक्टर फंक्शन ने कॉल होना है। अब मैंने इस बैक स्लैश एंड डाल दिया तो हर दफा जो है ना ये लाइन के साथ आएगा। ठीक है सर, ओके सर, अल्लाह हाफिज़।